ऐसे तो संसार में पल पल पे प्रलोभन है, पल पल पे माया का बंधन है, पल पल पे कर्म का, पल पल पे कर्म का बंधन है, लेकिन सेवा का भाव हृदय में हो तो छटती है संसार की भीड़। और जैसा मैंने निवेदन किया आपसे कि भक्ति साधन काल में भी बड़ी सरस है, बड़ी मधुर है। एक क्षण में जीव को श्री ठाकुर जी के निकट ले जाकर खड़ा कर देती है। और आप में से जो लोग सेवा करते होंगे उन लोगों का तो ये अनुभव ही होगा कि जो कृष्ण है, जो ठाकुर है, जैसे ही आप सेवा आरंभ करते हैं वो क्या हो जाता है, वो हमारे ठाकुर हो जाते हैं। आत्मीयता प्रदान करती है सेवा प्रभु के साथ, आत्मीयता अर्थात अपनापन। जैसा मैंने कहा कि किसी को अपना बनाए बिना मन रह नहीं सकता, उसे कोई ना कोई अपना तो चाहिए। प्रभु नहीं है तब तक संसार को अपना बनाने का प्रयास करता है, वस्तुओं को अपना बनाने का प्रयास करता है, व्यक्तियों को अपना बनाने का प्रयास करता है। बस ये अपनापन अगर प्रभु में लगने लगे, ये आसक्ति प्रभु में लगे तो भक्ति हो जाए। ये अपनापन प्रभु में लगने लगे तो संसार में रहते हुए संसार से विनिर्मुक्त हो जाए जीव। और इसकी युक्ति क्या है? इसकी युक्ति सेवा है। सेवा इज द टेक्निक। जो ठाकुर था सेवा के आते ही वो मेरा ठाकुर हो गया। और देखो सेवा का कितना बड़ा सामर्थ्य है, सेवा की कितनी बड़ी महिमा है। गीता में भगवान कहते हैं कि संसार में रहे ऐसे कि संसार में रहकर भी संसार से बिलग रहे। अब कह देना तो बहुत सरल है, पर जब संसार में रहो तो संसार का रंग तो चढ़ता ही है, संसार स्पर्श करता ही है। लेकिन सेवा एक ऐसी विधि है, जो लोग सेवा करते हैं और जिनको सेवा का अभ्यास होता है, और फिर पहले सेवा का अभ्यास होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेवा का व्यसन हो जाता है। मैंने देखा ऐसे लोगों को कि जिनकी आसक्ति सेवा में हुई उन्हें फिर दर्शन की भी इच्छा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। सेवा का जिसे व्यसन हुआ है वो सेवा किए बिना नहीं रह सकता। आज भी अगर आप वृंदावन जाकर देखें तो हमारे श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में आपको ऐसी ऐसी कुछ माताएं मिल जाएंगी कि उनसे चला नहीं जाता। और यदि आज आप उनका मेडिकल कराएं तो डॉक्टर कहेगा ये व्यक्ति जीवित ही नहीं हो सकता, इतने सारे रोग डॉक्टर की रिपोर्ट बता देगी। लेकिन उनके जीवन में नियम है, मंगला से लेकर शयन तक उनको प्रत्येक आरती का दर्शन करना है और खाली नहीं आना, कुछ ना कुछ, कभी फल और कभी मेवा और कभी मिठाई, कुछ ना कुछ अपने लाडले ठाकुर को निवेदन करने के लिए आना ही है, कुछ ना कुछ लेकर आना है, किसी ना किसी सेवा से युक्त होकर ही आना है। तो संसार में रहकर, संसार की भीड़ में, संसार के व्यवहार में रहकर भी, जैसे जो लोग सेवा के अभ्यस्त होते हैं जिनको व्यसन होता है वो व्यवहार में भी रहें, यदि ना भी कर पाए सेवा तो मन में एक विचार आता है ना कि ये ठाकुर जी की संध्या का समय हो गया, अब ठाकुर के श्रृंगार का समय हो गया कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार कौन करेगा। और बस किसी भी प्रकार से मन प्रभु का स्मरण करे, किसी भी प्रकार से कैसे भी मन प्रभु का स्मरण करे, इसी के लिए तो सारे प्रयास है। एक बार श्री गोसाई विठल नाथ जी के मन में आया नवनीत प्रिया लाल जी को हाथ में लेकर और श्री ठाकुर जी का अंग मर्दन कर रहे थे, मालिश कर रहे थे श्री ठाकुर जी की, और करते करते मन में एक विचार आ गया कि क्यों ना लाला को 56 भोग लगाया जाए। अब मन है कुलाचे मारने लगा, 56 भोग के लिए तो भाई इतनी सामग्री चाहिए होगी, तो बनिया के यहाँ से सामग्री ले आएंगे। अब इतनी सामग्री को लाने के लिए एक बैलगाड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं बैठे बैठे और ठाकुर जी हाथ में हैं, हाथ उनका अंगमर्दन कर रहे हैं और मन पहुंच गया बाजार में बैल खरीदने और बैल वाले से मोल भाव भी करने लगे मन ही। अब बैल वाले से मोल भाव करते करते फिर अचानक याद आया कि हाथ में ठाकुर जी, तो अपने आप को बहुत धिक्कारा, बोले ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठाकुर मेरे हाथ में है और मन कहाँ बैल वाले से मोल भाव करने में लगा। तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानी हुई कि मैं सेवा के योग्य नहीं हूं। तो तत्काल श्री ठाकुर जी बोले बाबा बैल काय के ताई चाहिए,
बोले लाला वो अमनिया को सामान आवेगो। बोले इतनो सामान कौन कितना ही चाहिए, वो 56 भोग कितना ही, और 56 भोग कौन लगानो है। बोले लाला तो लगाने हो, तो बोले बस है गए भजन। तो वैष्णव जो करे वो भजन है। यदि आपके जीवन में सेवा है और आप सुबह उठकर स्नान करते हैं तो आपका स्नान भी सेवा है। हमारे गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे वैष्णव नहाता है वो सेवा करता है, क्योंकि उसे स्वयं स्नान करके प्रभु को स्नान कराना है। वैष्णव जो करे वो सेवा है। जैसे पारस ये नहीं जानता कि जो लोहा उससे स्पर्श कराया जा रहा है वो कसाई के घर से आया है या मंदिर से आया है, वो नहीं जानता, वो दोनों को स्वर्ण करता है। ऐसी सेवा का भाव जिस हृदय में है, संसार का मैला कुचैला कैसा भी भाव उससे स्पर्श कराया जाए वो भगवदीय हो जाता है। ये बड़ी भारी महिमा है सेवा की। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने तो अपनी अपनी पद्धति में सर्वोपरि जो स्थान दिया है वो भगवत सेवा को दिया है। अंतःकरण को शुद्ध करने का, अंतःकरण को सरस करने का और अंतःकरण को सरल करने का, सेवा जैसा सुंदर सुगम सरस और कोई दूसरा मार्ग नहीं। एक क्षण में सेवा आपको ठाकुर के निकट ले जाती है। हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि आप फूल माला लेकर जाते हो, फूल माला जिस पत्ते में लपेट कर दी जाती है ना, वो पलाश का पत्ता होता है, एकदम रूखा सूखा, उसमें कोई खुशबू नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, इसीलिए उसका कोई मोल भी नहीं है, बेमोल का है। इसलिए माला वाला आपको उस पत्ते में लपेट कर और माला दे देता है। लेकिन आप देखो वो माला क्या है, वो माला आपकी सेवा का भाव है। पलाश के पत्ते ने उस माला का संग किया और आप भीतर नहीं जा सके, लेकिन वो पलाश का पत्ता बिना मूल्य का होता हुआ भी ठाकुर के चरणों के निकट पहुंच जाता है, माला का संग करके पहुंच जाता है। अयोग्य को भी योग्य कर देती है सेवा, अन अधिकारी को अधिकार प्रदान कर देती है भगवान की सेवा। और सेवा न हो तो केवल सेवा का भाव भी अंतःकरण को शुद्ध करता है, अंतःकरण को सरस करता है। देखो कोई बुरी बात नहीं है कि मन मैला हो गया है, सभी का हो गया है, संसार में रहते हो ही जाता है। आप में से कौन ऐसा है जो स्नान करके और फिर धूल अपने ऊपर डालता हो, लेकिन स्नान करने के बाद फिर शरीर मैला हो ही जाता है ना, फिर अगले दिन फिर स्नान करने की आवश्यकता पड़ती। ऐसे ही संसार में रहकर आप प्रयास करते हो मन को निर्मल करने का, कुछ क्षण के लिए मन निर्मल होता है, फिर संसार का संग होता है और फिर मन मैला होता है। सेवा एक ऐसी विधि है जो सतत मन को एक एक निर्मलता प्रदान करती है। सेवा का भाव न भी कर पाए आप सेवा, तो सेवा का भाव अपने आप में समर्थ है आपके मन को शुद्ध कर देने में। और जैसे ही मन शुद्ध हुआ वैसे ही आप देखोगे भगवान का रूप झलकने लगेगा। भक्तमाल में अनेकों बड़े सरस प्रसंग हैं कि किस प्रकार सेवा से उस परम दुर्लभ भगवत तत्व की बड़ी सहज में अनुभूति हुई है। तो कुछ एक प्रसंगों पर चर्चा करके आप और मैं अपने मन और वाणी को निर्मल करने का प्रयास करेंगे। आइए दो क्षणों के लिए भगवान नाम उच्चारण कर लीजिए। राधा राधा श्याम राधा राधा, राधा राधा श्याम श्याम राधा।
सेवा प्रदान करती है। जब श्री हितरिवंश महाप्रभु आ गए वृंदावन, तो कुछ उनके बालपन के सखा तो उनके संग आए, कुछ एक वहीं रह गए। तो उन सब में एक थे छबील दास जी, तंबोली थे, तंबोली अर्थात पान लगाया करते थे। तो हितरिवंश महाप्रभु ने उनसे इतना ही कहा, इतनी आज्ञा उनको थी कि वो नवरंगी लाल जी के लिए बस दो पान के बीड़े लगाकर और नित्य सेवा में पहुंचा दिया करते थे। अच्छा, ये गुरु की यही योग्यता होती है, सबके लिए एक जैसा मार्ग नहीं हो सकता, सबके लिए एक जैसा मंत्र नहीं हो सकता। सबके लिए यदि कोई है तो वो तो नाम है, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी अपनी योग्यता है, अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी पात्रता है। आप ही देखिए अपने जीवन में कि आप देखते हैं, कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे साधक, कोई ऐसा है जिसको केवल नाम जप में ही रुचि है, उसको नाम में ही विश्राम अनुभव होता है। कोई है जिसे सेवा में रुचि है, और फिर सेवा में भी भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियाँ हैं। किसी को सुंदर सुंदर भोग निवेदन करना अच्छा लगता है, किसी को सुंदर श्रृंगार करना अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचियां हैं, और रुचि के अनुकूल यदि मार्ग मिले तो प्रगति शीघ्र होती है। यदि रुचि के अनुकूल, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि माला से जपें या बिना माला से जपें, जैसे जपा जाए वैसे जपिए।
बड़ी बात जपना है, बड़ी बात नाम जप हो, जो 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 विधि आपको उचित लगे उससे हो, रीज भजो या खीज, बस जपिए, ये बड़ी बात है। तो और एक एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं कि बहुत अधिक द्वंद में मत उलझिए, बहुत अधिक हमारे महाप्रभु जी की उपासना की विधि इसीलिए इतनी सरस है कि विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रत धारी, कि जीवन में एक ही व्रत है और वो है सेवा का व्रत, और कोई व्रत नहीं लिया, क्योंकि मन एक है। और ध्यान देना, एक मन एक समय एक ही ठौर पर रह सकता है, एक ठौर पर रहेगा। अब माला में झंझट होता है, ये उंगली नहीं लग जाए, ये आगे नहीं हो जाए, वो पीछे नहीं हो जाए, मन तो एक है ना, वो एक समय एक ही ठिकाने पर लगेगा। माला होते होते भी आपको उंगली याद रहती है तो इसका मतलब माला ठीक से नहीं हो रही। माला मन को रमाने के लिए है, मन को भटकाने के लिए नहीं। अरे ऐसी कैसी माला आपने हाथ में ली कि मन और भटक गया, तो जैसे रुचे वैसे करिए, जो जो सुगम लगे उस रीति को लीजिए। बड़ी बात है भजन हो, भगवान का स्मरण हो, जैसे बने वैसे बने। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु वही है जो शिष्य की योग्यता के अनुसार उसको भजन की विधि बताए, उसको भजन का मार्ग बताए। और यदि सभी के लिए कोई एक मार्ग है तो बस फिर तो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, फिर वो नाम है, नाम उपाय नीक है। तो छबीलदास जी कैसे थे, बड़े भोले भाले, कुछ बहुत अधिक पढ़े लिखे भी नहीं थे, शास्त्र पुराण का कोई बहुत अधिक उनको ज्ञान नहीं था। तो श्री महाप्रभु जी ने मन में विचार किया कि भोला भाला सहज मन है, बस इसे उठाकर किसी प्रकार श्री जी की सेवा में लगा दिया जाए। तो बस उनको यही कहा कि आप दो पान लगाकर नित्य ले आया करिए, और जब श्री महाप्रभु देवबन में विराजते थे तो नवरंगी लाल जी की सेवा कर दिया करिए। विठलदास जी को बात जम गई, जब तक श्री महाप्रभु वृंदावन में रहे, जब तक महाप्रभु देवबन में रहे तब तक वो दो पान की वीटिका नित्य उनको लगाकर दे जाया करते थे। फिर 32 वर्ष की अवस्था हुई, श्री महाप्रभु श्री जी की आज्ञा पाकर वृंदावन आ गए। तो महाप्रभु तो आ गए लेकिन श्री छबीलदास जी का मन संसार में लगा नहीं श्री महाप्रभु जी के बगैर। तो कुछ काल के बाद छबीलदास जी भी वृंदावन आ गए। अब छबीलदास जी वृंदावन आए तो श्री महाप्रभु जैसे एक मित्र से मिला जाता है उसी प्रकार से मिले। छबीलदास जी ने कहा कि मेरी वृंदावन का दर्शन करने की इच्छा है। तो श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन की एक एक कुंज निकुंज का दर्शन कराया और छबीलदास जी ने क्या देखा कि महाप्रभु सेवा कुंज के प्रति सबसे अधिक भाव रखते हैं। बड़ी अधिक प्रीति श्री महाप्रभु जी की श्री सेवा कुंज के प्रति देखी कि जब महाप्रभु को अवसर मिले, जब सेवा मिले तो बस सेवा कुंज की किसी तरु लता के नीचे बैठकर और ध्यान मग्न हो जाए। वृंदावन के भजन की पद्धति भी यही है, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की। अच्छा, और एक और बात कि बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह रास्ता नहीं है। बहुत अधिक कोई बुद्धिमान हो उसके लिए प्रेम का मार्ग नहीं है। भोली सखी कहती है, सोवत जागत रटो निरंतर राधा राधा,
ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਾਰਯ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਬਾਧਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੇਹੀ ਬਿਨ ਦ੍ਰਵਈ ਨ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਜੀਵ ਨ ਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਤੋ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਤੋ। ਬਾਲਕ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਸਹਿਜ ਭਰੋਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਗ ਲਗੀ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੋ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਤੋ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਹੈ ਮਾਂ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇ। ਐਸੀ ਜੀਵ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਗੋਦ ਮੇ ਰਹੇ ਤੋ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਵਯੋ ਸਾਥ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤੀ ਮੇ ਏਕ ਟੇਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਪਾਂਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧਿਆਈ, ਤਾਕੋ ਦੁਖ ਹਰਿਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਕੋ ਦੁਖ ਹਰਿਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਬੜਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਤੀ। ਆਪ ਸੰਚੈ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਕੱਤ੍ਰਿਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਧਨ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਮ ਆਏਗਾ, ਜਬਕਿ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਲਈ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਮਾਨ ਸੌ ਬਰਸ ਕਾ ਪਰ ਪਲ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾ ਅਭਾਵ ਹੀ ਤੋ ਹੈ। ਜੀਵ ਕੋ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਮੇਂ ਰਖਾ ਧਨ ਕਾਮ ਆਏਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਔਰ ਧਨ ਸੇ ਤੋ ਬਹੁਤੋਂ ਕਾ ਕਾਮ ਵਿਗੜਤੇ ਦੇਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਵਤ ਰਸਿਕ ਕਹਿਤੇ, ਭਗਵਤ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਲਗੇ ਤਜ ਨਸ਼ਵਰ ਸੰਸਾਰ, ਸਭ ਲੱਜਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਭਗਵਾਨ ਭਕਤ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨੇ ਦੇਤੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਕੈਸੇ ਵਿਗੜਨੇ ਜਾਏ। ਜਗਤ ਮਜੂਰੀ ਦੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਭਗਵਾਨ, ਤੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਗਾਂਠ ਖੁਲਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਤਨਾ ਆਪ ਸਹਿਜ ਹੋਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇ। ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਤੋ ਬਾਪ ਠੀਕ ਸੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਤੋ ਵੋ ਠੀਕ ਸੇ ਚੈਨ ਸੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਭਕਤੀ ਕਿਸ ਲੀਏ ਹੈ, ਭਕਤੀ ਸੀਧਾ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਹੈ, ਨਵਮ ਸਰਲ ਸਭ ਸੋ ਛਲ ਹੀਨਾ, ਮਮ ਭਰੋਸ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਸਰਲ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਜੈਸਾ ਸਰਲ ਮਨ ਜਿਸਕੋ ਉਸੇ ਮਾਂ ਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਛਵੀਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਮਨ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਆਏ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਕਿ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਨਿੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੁੰਜ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਔਰ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਉਸ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੁੰਜ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਨਿੱਤੇ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭਸੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਛਵੀਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਚੁੱਪਕੇ ਔਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਸੇਵਾ ਕੁੰਜ ਕੀ ਕਿਸੀ ਨਿਬੜ ਨਿਕੁੰਜ ਮੇਂ ਜਾ ਕਰ ਛਿਪ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਾਤਕਾਲ, ਤੋ ਦੇਖਾ ਕਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਆਰਤੀ ਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਥੇ, ਆਜ ਛਵੀਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛਵੀਲ ਦਾਸ ਕਹਾਂ ਗਏ? ਤੋ ਸਭ ਲੋਕੋ ਨੇ ਯਹਾਂ ਵਹਾਂ ਦੇਖਾ, ਛਵੀਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਮੇਂ ਦੇਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਦੌੜਤਾ ਹੁਆ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਚਲੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਛਵੀਲ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੁੰਜ ਕੀ ਉਸ ਲਤਾ ਕੁੰਜ ਮੇਂ ਅਚੇਤ ਪੜੇ ਹੈ। ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਵੱਲਭ ਲਾਲ ਕਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੇਕਰ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੁੰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਛਵੀਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਲਗ ਰਹਾ ਥਾ, ਛਵੀਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਲਗ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸੇ ਆਨੰਦ ਛਿਟਕ ਰਹਾ ਥਾ। ਦੇਖੋ ਜੀਵ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਯੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਲਹਸੁਨ ਕੀ ਕਲੀ ਸੇ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾ ਆਏ। ਇਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਜੀਵ ਕਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੇਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ।
मन का कोई और रूप रंग नहीं है, मन का कोई और आकार प्रकार नहीं है, कामना ही तो मन है। इसलिए आरंभ में मैंने आपसे कहा ना, संत में और मुझ में इतना ही तो भेद है कि मेरे मन में स्वार्थ है स्वसुख की कामना, संत के हृदय में परमार्थ है सबके सुख की कामना, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। और प्रेम के मार्ग का, प्रेम के पथ का पथिक तो आरंभ ही यहीं से करे, सब सोहित निष्काम मति। तो निष्काम हो जाना इतना कठिन है, लगभग लगभग असंभव, कि जैसे लहसुन की कली से दुर्गंध ना आए, इतना कठिन। पर सेवा से ये दुर्गम सुगम हो जाता है। छबील दास जी का मन जीवन भर नवरंगी लाल जी की सेवा करते करते इतना सरल हो गया, वो मन का जो दर्पण था वो इतना स्वच्छ हो गया कि जैसे ही वृंदावन आए छिप गए सेवा कुंज में जाकर। और श्री महाप्रभु ने अगले दिन आकर देखा, उनके रोम रोम से छिटक रहा है आनंद। छबील दास जी का सिर अपनी गोद में रखा, श्री जी का चरणामृत उनके मुख में डाला और पूछने लगे, छबील दास अभी रहना है या जाना है, अभी और रहोगे या जाओगे? तो छबील दास जी ने नेत्र थोड़े से खोले और मानो महाप्रभु को निवेदन कर दिया कि प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों का प्रयास हो फिर भी अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही पे अंत राम कही आवत नाही। और आपकी कृपा से मेरा तो वो बानक सहज में बन गया है, मैं देख रहा हूं पीतांबरी कसी है, होठों पे कुछ हंसी है, मूरत ये मन बसी है। मेरे सन्मुख कौन है? गौर वरन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद बसो मेरे नैनन में दो चल। आप सन्मुख हैं, मस्तक आपके चरणों में झुका है, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा